हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस में जुटे होंगे। तो इसी प्रैक्टिस को और अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं अपनी मैथ की क्लास में, जहां हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी ट्रिक के साथ, एक अच्छी अप्रोच के साथ, फटाफट अंदाज में, जिससे आप भी एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस। आप कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। इस वीडियो को आप प्रैक्टिस पेपर की तरह ही लीजिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ देखना है कि क्या आता है क्या नहीं आता है, साथ के साथ सॉल्व करते चलिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने से, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 8,000 रुपये लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित की जाए तो 1.5 वर्ष के बाद चुकाई गई राशि क्या है? अर्धवार्षिक यानी कि आधे वर्ष की। तो बच्चों कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, यहाँ ध्यान से समझेंगे हम। हमारे पास मूलधन कितना है? 8,000। अब वार्षिक ब्याज दर क्या है? वार्षिक दर है 10%, तो अर्धवार्षिक दर कितनी हुई? आधी। अर्धवार्षिक दर हुई 5%। अब अर्धवार्षिक कितने बनेंगे, कितने समय में? 1.5 वर्ष में। 1.5 वर्ष में यानी 1 वर्ष में दो और फिर एक आधे वर्ष का, ये बनेंगे। तो अब हमें 5% ब्याज लेना है किस पर? 8,000 पर, वो भी हर 6 6 महीने का। 6 महीने 6 महीने 1 साल और 6 महीने 1.5 साल। टोटल हमने 3 हिस्से बना लिए। पहले हमें एक ब्याज मिलेगा, उतना ही ब्याज अगली बार भी मिलेगा, और ब्याज का ब्याज मिलेगा। तीसरी बार एक साधारण ब्याज तो मिलेगा, इस ब्याज का ब्याज मिलेगा और इस बाकी का भी ब्याज मिलेगा। ये चीज़ें और डिटेल में आप कर पाओगे जो कंटेंट वीडियो है उसे देखकर। तो अभी हम करते हैं सबसे पहले 5%। तो 8,000 का 5% क्या होता है? 8,000 का 10% 800, तो 5% 800 का आधा यानी कि 400। दूसरी बार भी 400 तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, इस 400 का 5% और मिलेगा। 400 का 5% 10 40, तो 5 20, ठीक है। तीसरी बार में साधारण तो मिलेगा ही, इस ब्याज का ब्याज और मिलेगा। देखो 400 का मिला था 20%। अब ये जो ये ब्याज है इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले हम केवल इतना सॉल्व कर लेते हैं, कितना? केवल इतना है ना। तो ये कितना मिला? 400 का 20, तो 800 का 40 है ना। और इस 20 का भी हम 5% निकालेंगे, तो 20 का 10% 2, 5% 1, सबको टोटल जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 1,200, और ये 60 और ये 1, तो कितना हो गया? 1,261, ये ब्याज हो गया। तो इस सब को जब हमने जोड़ा तो हमारा आया कितना? 1,261, जो ब्याज हो गया। पूछा क्या है उसने? टोटल राशि। तो पुरानी राशि हम जोड़ देंगे, 8,000 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो गया? 9,261, यही आंसर हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई? तो किस तरह से क्वेश्चन करने हैं आप कंटेंट में और ज़्यादा देख सकते हैं। आपने एक बार ये चीज़ें कर रखी हैं तो आप फटाफट प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। फिर से समझ लेते हैं, हमें 1.5 वर्ष का ब्याज था, 1.5 का, तो और हाफ हाफ ईयरली कलेक्ट करना है ना। तो हाफ ईयर हाफ ईयर हाफ ईयर हो गए पूरे 1.5 ईयर, 3 बार हमको लेना है। अब दर भी जो है वो भी क्या कर देनी है? आधी कर देनी है। 10 था तो आधी कर दी, 5 कर दी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि एक महिला 13 रुपये के 14 सेब खरीदती है और 14 रुपये के 13 सेब खरीदती है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कई तरीके हैं इन क्वेश्चनों को करने के। देखो सबसे पहले क्या करती थी वो, 13 रुपये में, 13 रुपये में कितने खरीदती है? 14 सेब। और फिर 14 रुपये में कितने खरीदती है? 13 सेब। अब यहाँ जो वस्तु है वो बराबर करानी है, तभी तो हम रुपए में देखेंगे। ये तो होगा हमारा क्रय,
और ये हो गया विक्रय, ठीक है। तो ये बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करनी पड़ेगी 13 की और इसमें गुणा करनी पड़ेगी 14 की, वस्तु बराबर करनी है। बड़ी सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति कुछ खरीदने, नींबू खरीद के लाया है ना, कि मैंने 10 नींबू खरीदे और 8 बेच दिए, 8 में रुपये वसूल हो गए, 2 नींबू घर लेके चला गया है ना, तो घर कहेंगे कि 2 को भी बेच आता, इनके भी क्या ले आता, रुपये ले आता, यानी जितना खरीदा उतना ही बेका। वस्तु बराबर होनी चाहिए तभी हम क्रय लाभ और हानि की काउंटिंग करेंगे। तो इसमें 13 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा ये 169, और इसमें 14 की गुणा होगी तो ये कितना होगा 196। अच्छा ये तो बराबर हो ही जाएंगे भाई, 13 गुणा 14 बराबर हो जाएंगे, करने की जरूरत नहीं। यहीं देखते हैं तो कितना लाभ हुआ यहाँ से यहाँ तक, 169 से 196, तो 170 से 196 यानी 26 और 1 27, 27 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, हमेशा क्रय मूल्य पर, है ना, क्रय पर काउंट करते हैं, तो कितने पर हुआ 169 पर। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे, या तो आप पूरी पूरी भाग लगा लीजिए या थोड़ा बहुत इसको हम काट सकते हैं, जैसे 13 से काट लेंगे इसे, है ना, 13 से ये कट रहा है, 13 से ये काट लिया तो 13 दूनी 26, बचा कितना, एक पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा ली, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के एक और जीरो बढ़ा ली तो ये गया, इतनी बार 100 की गुणा होगी तो ये हट जाएंगी, तो कितना हो गया हमारा 207/13। अच्छा जी, अब आगे इसको और सॉल्व करेंगे, हम लगभग लगभग कर रहे हैं, तो 13 कम 13 बचे कितने 7, तो 13 5 65, 13 6 78 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 13 5 65 बचे कितने 12, और तो 13 निम्मा, यानी यहीं पर पता लग गया आंसर हमारा ये है, ठीक है। पूरी भाग करने से अच्छा हम एक बार 13 से काट के भी इसको कर सकते हैं, फिर भी ये आपकी प्रैक्टिस पर बात है, किस तरह से आप प्रैक्टिस इसकी कर रहे हैं उसी तरह से आप इसको कर लेंगे, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या है हमारे लिए। पंकज एक घड़ी को 900 रुपये में खरीदता है, अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 30% की छूट देने के बाद भी 40 का लाभ। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो कितना बढ़ा के दिया, ये तो नहीं लिखा, कितना बढ़ा के लिखा है ये तो नहीं दिया, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन हम MSA से करेंगे, MSA क्यों, सबसे पहले दिए छूट, छूट किस पर दी जाती है, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर, तो मार्क को 100 मान के 30 की छूट है तो कितना हो गया 70, 30 की छूट है 70। फिर दिया है लाभ, लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, तो क्रय को 100 मानकर 40 का लाभ यानी 140। अब इसको आप मर्ज कर देते हैं फटाफट, है ना, इधर बढ़ा लेते हैं 70, इधर बढ़ा लेते हैं 140। हमसे पूछा क्या है, घड़ी का अंकित मूल्य, और दिया क्या है, क्रय मूल्य, तो फिलहाल इसको छोड़ देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों के 100 से 100 कट गए, ये कट गया ये 0 से 0, ये 7 एकम 7 और ये 7 दूनी 14, तो 7 और 14 आ रहे थे, तो ये 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। अब ये क्रय तो आ गया 1 और अंकित आ गया 2, इसकी वैल्यू दी है कितनी 900, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 9 दूनी 1800, दुगना है ना, यही आंसर हो गया। तो ये तरीके बहुत आसान है, आप करोगे प्रैक्टिस करोगे बहुत और भी स्पीड अप हो जाएंगे। तो ये चीज़ें समझ में आई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, जब भी विकर्ण दिया हो तो क्या करते हैं, विकर्ण का स्क्वायर 2 कर देते हैं, ये क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यही होता है। तो अब आप याद रहेगा तो फटाफट कर देंगे, 7 का स्क्वायर 2 यानी कि 49/2 यानी कि 24.5, है ना, 24 दूनी 48 और आधा 24.5। बेहद आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद कर लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर 2 होता है, और अगर भुजा हो तो भुजा का केवल स्क्वायर होता है ना।
दोनों तरह से याद रखना है। आगे, एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड और 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई तो चलेगी चलेगी, तो अब यहाँ से हमको देखना क्या है, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, और यहाँ भी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म में कितना अंतर आया है यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है, 90 मीटर का, इसमें और इसमें 90 मीटर का अंतर है, और समय कितना अंतर है, 5 सेकंड। तो 90 मीटर कितने समय में चले, 5 सेकंड में, तो चाल क्या आ गई, ये कट जाएगा 18 × 5 = 90, 18 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई रेलगाड़ी की चाल। अब चाल थोड़ी ना पूछिए, रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए, तो किसी एक में वैल्यू रख लेंगे हम, जैसे यहाँ पर हमने रखी 30 सेकंड, 30 सेकंड में पार करती है इसको, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों जुड़कर, तो 30 सेकंड की दूरी निकाल लेते हैं, 30 सेकंड की दूरी कितनी हो गई भाई, 30 गुणा 18, 18 दून 36, 18 54, 540, ये हो गई। अब ये लंबाई किसकी है, ये लंबाई ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की है, ठीक है, ये लंबाई किसकी है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की। तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकलेगी, इसमें से हम प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा देंगे, जो कितनी दी है हमें 320, क्योंकि इसी का समय लिया था, तो कितनी आ गई, इसे घटाएंगे 220 आ गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर, हो गया 220 मीटर। तो चीज़ें आपको क्लियर हैं, समझ में आ गई, हमने डायरेक्ट अंतर लिया दोनों प्लेटफॉर्मों का 90, और वो 5 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल निकल आई, ये चाल हमने चलाई 30 सेकंड, तो 30 सेकंड में किसको पार करता है, 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म को जब भी पार करेगा तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई, ये दूरी होगी, तो ये दूरी हो गई 540, इसमें से हमने क्या घटा दिया था, 320 घटा दिया, तो 220 आ गया, यही हो गई ट्रेन की लंबाई। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप इसको शेयर और लाइक करते चलें। अगला क्वेश्चन है, राहुल की आयु 50 वर्ष है और मोहित की 70 वर्ष, कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष पहले पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से बड़े आसानी से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो 50 और 70 दोनों में से समान चीज़ें घटनी है, अच्छा 35 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ भी 15 और यहाँ पर 35, 1:2 नहीं आया है ना, 30 घटाएंगे तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 40 आ गया, 1/2, 1/2 यही हो जाएगा, जैसे हमने 50 से हमने क्या घटाया 30 और 70 से भी क्या घटाया 30, तो यहाँ बचा 20 और यहाँ बचा 40, ये कट के कितना आ गया 1:2, यही आंसर हो गया, और से नहीं आएगा। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को फटाफट ऑप्शन से कर सकते हैं, कब ऑप्शन से करने हैं, कब डायरेक्ट करने हैं, प्रैक्टिस से सब चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन आप साथ के साथ प्रैक्टिस करिए, कॉपी पेंसिल लेके साथ के साथ क्वेश्चनों को करते रहिए, तो ये चीज़ें फटाफट आपकी भी होने लगेंगी। आगे एक और देखते हैं, अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता का 150% है, यदि अनुज एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है तो वो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय लेंगे। अच्छा यहाँ घंटे दे दिए हैं, कितने घंटे में करेंगे, कुछ गलत दिया है, देखते हैं चलो। अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता से कितनी है, 150%, तो अनुज और ये विनोद, विनोद की अगर हम 100 लें तो ये 150 हो गई, ये क्षमता है, क्षमता ये कट के आ गई, ये आ गई 2-3। अब मैंने बताया ये जो क्षमता होती है, जो इफ़िशेंसी होती है, यही क्या होता है, प्रतिदिन का कार्य, अब दोनों मिलकर अनुज अकेला कितने दिन में करता है, 10 दिन में अनुज करता है, 10 दिन में, तो अनुज से कितने समय, अनुज 3-3 करके 10 दिन में करेगा, तो कितना काम हो गया, 30 कार्य हो गया। अब ये 30 कार्य क्या कह रहा है, दोनों मिलकर, तो अनुज
हाँ यहाँ देखते हैं, अनुज और विनोद दोनों मिलके कितना करेंगे, 3 और 2 5, पांच पांच कार्य करेंगे, तो 30 कार्य को करने में कितना समय लेंगे, 6 दिन। 30 कार्य कितने समय में लेंगे, 6 दिन। अब घंटों में निकालेंगे तो 24 के 44, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिलहाल आंसर ये 6 ही है। इसको आप घंटे मत कीजिए, इसे देने कीजिए, है ना, बस ये रहने दीजिए कितने समय में, तो 6 दिन में, ठीक है। तो ये क्लियर है, आप क्षमता क्षमता को बाद में पलट के दिन निकालो, उससे अच्छा है डायरेक्ट करो। आपको ज़्यादातर कहीं भी आप देखोगे इस तरह से मिलेगा कि 3:2 क्षमता आई, तो पलट के दिन निकालें। लेकिन पलट के दिन निकालोगे फिर एलसीएम लोगे, उससे अच्छा क्या है, उस क्षमता को ही क्या लेंगे, प्रतिदिन वर्क, और प्रतिदिन वर्क लेकर आप उसे वहीं अगले एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यही तरीका आपको भी अपनाने हैं, यही चीज़ें आपको भी सीखनी है और फटाफट करने के लिए। तो ये क्षमता थी, तो हमने पहले एक से करा लिया 10 दिन, इस टोटल कार्य हो गया 30, फिर ये कार्य दोनों से करा लिया 5, तो ये 6 दिन। इस तरह से चीज़ें फटाफट होंगी, अब आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा जब आप अपने क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आप इसी तरह प्यार बनाए रखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो और प्रैक्टिस अपनी करते रहेंगे। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।